नमस्कार मित्रों देसा ट्यूशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एट स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड द एटम ये इसका चौथा वीडियो है आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए कुछ डाउट्स होते हैं नीचे कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अर ब्रेन पावर वॉट इज मीन बाय द एटोमिक नंबर जेड ऑफ एन एलिमेंट एटोमिक नंबर यानी क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटोन इन द एटम हम ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदलती रहती इसलिए number of protons है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटोन्स कहते हैं एटोमिक नंबर एटोमिक नंबर जेड ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन हियर राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है. है तो वो एक ही होगा कार्बन में सिक्स इलेक्ट्रॉन है टोटल टू कॉमा फोर तो फोर इलेक्ट्रॉन है आउटर इसमें आउटर मोस्ट सेल में सोडियम एन ए इलेवन इलेक्ट्रॉन्स है टू कॉमा एट कॉमा वन यानी आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन फिर uh, क्लोरिन सी एल में सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स है यानी टू कॉमा एट कॉमा सेवन तो आउटर शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स तो uh, फिर एन नाइट्रोजन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स uh, है तो टू कॉमा फाइव विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सो फाइव इज द आउटर फाइव इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल चलिए आगे बढ़ते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन हियर बाई यूजिंग इट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने एलिमेंट एल आई लिथियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थ्री टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्री है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन वन वैलेंसी हो गई वन सी कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी टू कॉमा फोर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फोर वैलेंसी विल बी फोर मैग्नीशियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्वेल्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा एट कॉमा टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू वैलेंसी विल बी टू ऑक्सीजन एट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट इलेक्ट्रॉनिकेशन टू कॉम सिक्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिक्स अभी देखिए फोर या फोर से ज्यादा हो संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तो एट माइनस दैट नंबर करना है तो सिक्स है तो एट माइनस सिक्स करने के बाद वैलेंसी मिलेगी यानी टू ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन होल नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं हो, वो पूरे के पूरे होते हैं या तो एक होगा या दो होगा 1.5 प्रोटॉन नहीं होता आधा प्रोटॉन कभी नहीं होता पूरा प्रोटॉन होता है तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसके कारण पूरे का पूरा, पूरा प्रोटॉन आएगा एक या दो या तीन या चार वन पॉइंट ऐसा नहीं होगा टू पॉइंट थ्री वगैरह ऐसा नहीं होता इसके कारण ये एक होल नंबर होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी पूरे पूरे होते हैं न्यूट्रॉन्स भी पूरे पूरे होते हैं आधे नहीं होते तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या भी होल नंबर ही होगी सल्फर कंटेंट सिक्सटीन प्रोटॉन्स एंड सिक्सटीन न्यूट्रॉन्स वट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एटॉमिक नंबर कितना है एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 16 प्रोटॉन्स है सल्फर में यानी इसका एटॉमिक नंबर 16 हो गया और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी 16 प्लस 16 दैट वुड बी 32 अभी देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं आइसोटोप्स द एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी एटोमिक नंबर आपको पता है किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है अगर कार्बन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर डेफिनेटली कितना होगा छ ही होगा दूसरा कुछ नहीं होगा या फिर हाइड्रोजन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर वन ही होगा हेलियम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर दो ही होगा तो उसकी एक यूनिक पहचान होती है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की उसकी यूनिक पहचान होती है सम एलिमेंट्स इन नेचर नंबर बट डिफरेंट एटोमिक मास नंबर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटोमिक तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग होता है ऐसे आइटम्स सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है तो आ, उनको कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ इच अदर

प्रोटोन नंबर एटोमिक नंबर जेड न्यूट्रॉन नंबर एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड देखिये सी ट्वेल्व नाम का एक आइसोटोप है कार्बन का कार्बन ट्वेल्व कहते हैं उसे। तो उसका मास नंबर है ट्वेल्व यहाँ पर मास नंबर होता है ना ऊपर तो वो है ट्वेल्व ठीक है तो ट्वेल्व मास नंबर है तो आ, कार्बन का आपको एटोमिक नंबर पता है सिक्स होता है वो तो बदलता नहीं है तो एटॉमिक नंबर कार्बन का सिक्स है तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा ट्वेल्व माइनस सिक्स करना पड़ेगा तो क्या कितना आएगा सिक्स आएगा यानी इस कार्बन ट्वेल्व के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और छह न्यूट्रॉन्स है फिर नेक्स्ट आइसोटोप आता है सी थर्टीन कार्बन थर्टीन उसका मास नंबर है थर्टीन प्रोटॉन्स की संख्या सिक्स है अभी न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो थर्टीन माइनस सिक्स करना पड़ेगा कितना आएगा सेवन ठीक है फिर C14 कार्बन 14 जो है उसका मास नंबर 14 है प्रोटॉन्स की संख्या सिक्स प्रोटॉन्स की संख्या फिक्स होती है और फिर न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर निकालनी है तो 14 माइनस सिक्स करना पड़ेगा कितने आएंगे एट यानी अगर आप देखेंगे तो क्या बदल रहा है आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल रही है ठीक है पहले के आइसोटोप में सी में छह न्यूट्रॉन्स थे सी में सेवन न्यूट्रॉन्स है C14 में एट न्यूट्रॉन्स है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या बदलते जा रही है अभी देखते हैं कलेक्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट द टेबल हाइड्रोजन हैज देखिए पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं आइसोटोप्स प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर देखिए एच वन वन प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई वन ठीक है न्यूट्रॉन की संख्या ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करना पड़ेगा वन माइनस वन इज न्यूट्रॉन नंबर जीरो जीरो न्यूट्रॉन्स है इसमें फिर नेक्स्ट uh, है आइसोटोप, देखिए मैंने यहां पर लिखा है आपको दिखाता हूं नेक्स्ट है H12 वन टू ठीक है H12 वन टू जो है उसमें प्रोटॉन्स है वन कोर्स, न्यूट्रॉन्स है टू माइनस वन यानी एक न्यूट्रॉन है देखिए इसको ऐसे हाइड्रोजन को जिसका एटॉमिक मास नंबर दो है उसे कहा जाता है ड्यूटेरियम ये उसका नाम है ड्यूटेरियम कहते हैं उसे ड्यूटेरियम कैसे दो डाई कार्बन डाइ मैंने बताया दो ऑक्सीजन है इसलिए डायऑक्साइड कहते हैं दो को डाई कहते हैं तो ड्यूटेरियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक मास नंबर दो है फिर हाइड्रोजन वन थ्री ये और एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे वन और न्यूट्रॉन्स होंगे थ्री माइनस वन टू इसमें दो न्यूट्रॉन्स है इसको कहते हैं ट्रिटियम ट्री यानी थ्री ठीक है फिर आ, टेबल में नेक्स्ट दिए है सी सेवनटीन थर्टी फाइव सी एल सेवनटीन थर्टी फाइव क्लोरिन ये एक प्रोटोन सेवनटीन है न्यूट्रॉन्स थर्टी फाइव माइनस सेवनटीन विल बी एटीन फिर सी सेवनटीन थर्टी सेवन सेवनटीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और थर्टी सेवन माइनस सेवनटीन दैट वुड बी ट्वेंटी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी तो ट्वेंटी तो आ, आपको ये ध्यान देना है कि ये एक ही लेवल पर लिखना है ये ऐसे यहाँ पर कंप्यूटर में लिख नहीं पा रहा हूं इसलिए मैंने लिखा है लेकिन आपको ऐसे एक के ऊपर एक ही लिखना है ठीक है हाइड्रोजन हैज थ्री एसोडोप दे हैव सेपरेट नेम्स हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम मैंने अभी आपको बताया फाइंड आउट द मास नंबर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट इज हैवी वाटर फ्रॉम द इंटरनेट हैवी वाटर क्या होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पर देख सकते हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ऐसा वाटर जो ड्यूटेरियम से बना हुआ होता है यानी हम हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है एच टू ओ फॉर्मूला अगर नॉर्मल वाटर है एच वन वन टू ओ वाला ये जो अगर नॉर्मल हाइड्रोजन है तो उससे नॉर्मल पानी बनेगा लेकिन जो एच ड्यूटेरियम है एच वन टू वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे दो ड्यूटेरियम फिर जो वाटर बनेगा उसे कहते हैं हेवी वाटर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है आगे आने ही वाला है देखिए यूजेस ऑफ ऑफ आइसोटोप्स 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 सम एलिमेंट्स आर कुछ जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं लेकिन कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते उनमें से रेडियेशन निकलते हैं दे आर यूज इन वेरियस फील्ड्स सच एज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर मेडिसिन रिसर्च फील्ड एटसेट्रा उनके कई सारे यूजेस किए जाते हैं जैसे इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में यूज किया जाते हैं खेती में यूज किया जाता है रिसर्च करने के लिए मेडिसिन में यूज किया जाता है ट्रीटमेंट्स के लिए अलग अलग फिर रिसर्च करने के लिए भी यूज किया जाता है यूरेनियम 235 थर्टी फाइव इज यूज फॉर न्यूक्लियर फिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम 235 जो है वो क्या किस लिए यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन यानी क्या फिशन यानी ब्रेक होना न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस का ब्रेक होना यानी यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस ब्रेक होकर कुछ और बनता है क्या बनता है आगे, आगे आपको पता चलेगा तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फीशन रिएक्शन उससे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस हीट की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ठीक है, है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिर सम रेडिएक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट सिक्सटी आर यूज इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फेटल डिसीजेस लाइक कैंसर कैंसर जैसे डिसीजेस uh, को क्योर करने के लिए हील करने के लिए कोबाल्ट सिक्सटी का आइसोटोप यूज किया जाता है फिर है आयोडीन 131 थर्टी वन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिसीज ऑफ थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड का अगर आपके सॉल्ट में प्रॉपर आय, आयोडीन की मात्रा नहीं है तो गोइटर नाम का डिसीज होता है गले पर सूजन आती है तो उसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 आ, ये आइसोटोप यूज किया जाता है The अगर पाइप लाइन में क्रैक्स हो गए हैं और पाइपलाइन वो जमीन के नीचे है तो कैसे बिना खोदे हुए कैसे पता करें कि कहाँ पर वो क्रैक है तो वो रेडिएशन छोड़े जाते हैं सोडियम ट्वेंटी फोर के जहां पर वो रेडिएशन आर पार चले जाते हैं जैसे सोनार जैसा ही जहां पर वो टकरा कर यानी उनकी इमेज आती है उसमें से जहां पर वो रेडिएशन पार नहीं हो पाते वहां पर क्रैक नहीं है लेकिन जहां पर आराम से पार हो रहे हैं वहां पर क्रैक है इसका मतलब फिर रेडियो एक्टिव एसोटोब्स आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स जो अनाज होता है हमारा गेहूं वगैरह उनको प्रिजर्व करने के लिए जो कीड़े वगैरह लगते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं उनसे बचाने के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है फिर द रेड रेडियोएक्टिव आइसोटोप C14 यूज इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म uh, uh, में ये C14 होता है कार्बन 14 रेडियोएक्टिव एलिमेंट uh, होता है तो uh, जब कोई फॉसिल्स आपको पता होंगे फॉसिल्स जब प्राणी या uh, जो प्लांट्स है वो डेड हो जाते हैं और वो जमीन के नीचे दब जाते हैं तब अगर हजारों वर्षों बाद हमें पता चलता है ना कि पहले डायनासोर वगैरह थे तो उनका वो कितने साल पहले थे वो पता करने के लिए उनमें से रेडिएशन गिना जाता है ये सी फोर्टीन का कितना अमाउंट में रेडिएशन निकल रहा है वो गिना जाता है और उसकी मदद से उसका एज निकाला जाता है कि ये दस हजार साल पुराना है तीस हजार साल पुराना है वगैरह इसकी डिटेल प्रोसेस आपको नहीं है इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट फिर आ, या फिर आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में है वो न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन दैन दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी सी फिगर 5.10 न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है एटॉमिक एनर्जी की मदद से देखिए ये ऐसा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर मुंबई का यह न्यूक्लियर रिएक्टर की इमेज है In a nuclear reactor, the nuclear energy in atom is released by bringing about nuclear reactions on the nuclear fuel. क्या होता है nuclear reactor में nuclear energy एक एटम में जो न्यूक्लियर एनर्जी कैद होती है उसको निकाला जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन करवाकर किसी न्यूक्लियर फ्यूएल में से वो क्या होता है आगे पता चलेगा लेटेस अंडरस्टैंड अ न्यूक्लियर रिएक्शन विद एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूएल नेम डी यूरेनियम 235. एक न्यूक्लियर रिएक्शन समझ लेते हैं यूरेनियम 235 थर्टी फाइव टू नाम का एक एलिमेंट uh, है एटम है समझ लीजिए तो उसका न्यूक्लियर फिशन करवाया जाता है यानी इसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है कैसे ऑन बंबार्डमेंट विद स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम टू थर्टी फाइव अंडर गोज न्यूक्लियर फिशन टू फॉर्म न्यूक्लियर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिप्टॉन नाइनटी टू एंड बेरियम वन फोर्टी वन एंड टू टू थ्री न्यूट्रॉन्स जब हम यूरेनियम यू टू थर्टी फाइव पर स्लो uh, स्पीड में कुछ न्यूट्रॉन्स बम्बार करते हैं यानी उन पर अटैक करते हैं न्यूट्रॉन्स छोड़ते हैं उन पर तो क्या होता है वो यूरेनियम का न्यूक्लियस जो होता है ऑलरेडी उसमें काफी मास है बहुत ज्यादा टू थर्टी फाइव यानी बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक जगह पर कैद किए हुए हैं तो इतने बड़े आइटम्स जो होते हैं वो मोस्टली अनस्टेबल होते हैं और ऊपर से आप उन पर न्यूट्रॉन छोड़ रहे हो तो वो और भी अनस्टेबल हो जाते हैं अस्थिर हो जाते हैं तो वो क्या होता है वो संभल नहीं पाता वो न्यूक्लियस यूरेनियम का और वो न्यूक्लियर फिशन होता है उसका यानी वो न्यूक्लियस टूट जाता है दो अलग हिस्सों में जो है एक जो है क्रिप्टॉन का आइटम बनता है उससे क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 ठीक है क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 और टू टू थ्री न्यूट्रॉन्स खुले छूटे निकलते हैं ठीक है ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड दीज न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट फ्रिक्शन ऑफ मोर यू 235 न्यूक्लियर अब ये दो तीन न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं उसमें से वो और दो तीन आसपास के यूरेनियम के एटम्स पर अटैक करते हैं न्यूक्लिया पर तो फिर ये दो तीन यूरेनियम भी टूट जाते हैं क्रिप्टॉन और बेरियम और फिर दो तीन Uh, हर एक एटम में से न्यूट्रॉन्स uh, निकलते हैं। फिर वो दो तीन दो तीन दो तीन ऐसे निकलकर वो आगे uh, और यूरेनियम पर अटैक करते हैं आसपास के ऐसा करके वो चेन रिएक्शन बन जाती है यानी एक के बाद एक चलती ही रहती है चेन में इन दिस वे चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस सी फिगर फाइव पॉइंट इलेवन देखिए, क्या है यह है यूरेनियम यू नाइनटी टू टू थर्टी फाइव का uh, आइटम ठीक है तो उसमें 92 प्रोटॉन्स है ठीक है और 235 थर्टी फाइव माइनस नाइन्टी जो भी नंबर होता है उतने न्यूट्रॉन्स है उस पर हमने एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया उसके न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन का सिंबल ये भी होता है स्मॉल एन जीरो वन क्योंकि उसका मास नंबर है वन और उसका जो है उसको तो जीरो होता है एटॉमिक नंबर तो एक न्यूट्रॉन उसके ऊपर छोड़ दिया न्यूक्लियस पर यूरेनियम के तो क्या हो गया ये अस्थिर हो गया अनस्टेबल हो गया ये क्या होता है टूट जाता है फिर ये क्या यू 235 है एक न्यूट्रॉन uh, छोड़ दिया जीरो वन वाला तो यह हो गया यू 92 236 हो गया ठीक है यह अनस्टेबल होता है अनस्टेबल आइसोटोप है यूरेनियम का 236 वाला फिर यह टूटने लगता है उस, उसमें अनस्टेबिलिटी आती है वो टूटने लगता है और टूट कर बनता है क्रिप्टॉन के आर uh, और बेरियम बी ए 56, 141, और तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं तीन न्यूट्रॉन्स जीरो वन तीन तो देखिए, अगर आप इनकी टोटल करके देखोगे तो ये बराबर बराबर इसके बराबर हो इसके इक्वल हो देखिए, फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स ये होगा नाइन्टी टू और 141 वन फोर्टी वन प्लस थ्री इंटू वन दैट इज थ्री वन फोर्टी वन प्लस नाइन्टी टू प्लस थ्री करोगे आप तो वो आएगा टू थर्टी सिक्स तो ये बराबर जितना हमने पहले था उतना ही मैटर निकल रहा है तो ऐ, ऐसा है तो तीन न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो निकल जाते हैं और तीन दूसरे यूरेनियम एटम्स पर अटैक करते हैं फिर वो तीन एटम्स के फिर से टूटने के बाद और क्रिप्टॉन और बेरियम और और तीन 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 ऐसे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं फिर वो तीन 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 और तीन 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 ऐसे यूरेनियम के आइटम्स पर अटैक करते हैं ऐसा करते करते वो रिएक्शन बढ़ते ही जाते हैं आगे तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ फिशन जब भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है तब उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है आपको याद रखना है द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट अ प्रोबेबल एक्सप्लोजन अगर ये बहुत तेजी से होने लगा न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल नहीं किया हमने तो ये बहुत तेजी से यानी विद इन अ मोमेंट ये बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्शन होती है यूरेनियम एटम्स को तोड़ देते हैं ये एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा एटम्स टूटने के कारण एक्सप्लोजन भी हो सकता है ये बहुत खतरनाक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में यही होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें यही किया जाता है बस आउट ऑफ कंट्रोल होता है वो लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो कंट्रोल्ड स्थिति में किया जाता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी ये रिस्क होती है एक्सप्लोजन uh, होने की टू कंट्रोल दिएक्शन इन द न्यूक्र रिएक्टर इट इज ने टू डिक्रीज द स्पीड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ये धीरे इसकी स्पीड कम करने के लिए क्या न्यूक्लियर फेन रिएक्शन की स्पीड कम करने के लिए क्या करना पड़ता है न्यूट्रॉन्स uh, की संख्या और स्पीड कम की जाती है फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग प्रोविजन इज मेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे कम की जाती है पहला है मॉडरेटर ग्राफाइट और हेवी वाटर इज देखिए हेवी वाटर मैंने कहा था ना आपको हेवी वाटर यानी ड्यूटेरियम से बना हुआ जो आ, पानी होता है ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं दो ड्यूटेरियम तब जो पानी बनता है उसे कहते हैं हेवी वाटर तो ग्राफाइट और हेवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्राफाइट होता है कार्बन का एक ये है एक फॉर्म होता है वो एक एलोट्रॉप है वो क्या होता है नेक्स्ट ईयर पता चलेगा फिर ग्राफाइट यावी वाटर यूज करके उस न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम की जाती है फिर कंट्रोलर होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाब्सॉर्बिंग डेम रॉर्स ऑफ बोरॉन कैडमियम बेरिलियम एटसेट्रा यूज एज कंट्रोलर जो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं जरूरत से ज्यादा उनको एप्सऑप किया जाता है किन की मदद से बोरॉन कैडमियम बेरिलियम उनके रॉड्स लगाए जाते हैं वो कर लेते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स फिर द हीट प्रोड्यूस आउट बाय यूजिंग वाटर एज कूलर वाटर इज ट्रांसफॉर्म इन स्टीम क्या होता है जो हीट बन रही है न्यूक्लियर फिशन में वो पानी उसके ऊपर से भेजा जाता है वो पानी गर्म हो जाता है पानी क्या आ, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टीम की मदद से टर्बाइन रोटेट किए जाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय मीन्स ऑफ दिस टीम टर्बाइंस आर ड्रीवन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन एट प्लेसेस आर फंक्शनिंग हमारे देश में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है आठ अलग अलग स्थानों पर अप्सरा एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया विच वेंट क्रिटिकल ऑन फोर्थ ऑगस्ट 1956 1956 में ये हो गया इंडिया हैज लार्ज रिजर्व ऑफ द एलिमेंट थोरियम 232 हमारे पास यूरेनियम कम है हमने देखा यूरेनियम के साथ लेकिन हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है थोरियम 232 तो हम आ, हमारे साइंटिस्ट क्या प्रयास कर रहे हैं थोरियम की मदद से हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं क्या देयर फॉर इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ फ्यूचर प्लान फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द आइसोटोप यू टू थर्टी थ्री ठीक है फ्रॉम थोरियम 232 यूरेनियम 232 से यू 233 बनाकर यह बना सकते हैं क्या ऐसा प्रयास चल रहा है हम काफी सक्सेसफुल भी है उसके ऊपर ठीक है तो यहां पर ये यह चैप्टर समाप्त होता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद मित्रों तो आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए